फाइनली मैंने अपना खुद का कैंपिंग स्टोव खरीद लिया है अमेज़न से। ये मुझे नेक्स्ट ट्रिप पे काफी हेल्प करने वाला है। एंड इसके साथ ही मैंने हंस के सिलेंडर्स खरीदे हैं। ये मुझे 750 के अराउंड पड़े एंड ये 610 के अराउंड पड़े हैं, चार सिलेंडर्स। हंस के मैंने इसलिए खरीदे यार क्योंकि इसके रिव्यूज अच्छे थे एंड जो दूसरे कैंस थे वो थोड़े सस्ते थे, 500 रुपीज में भी चार मिल रहे थे, बट उनके रिव्यूज अच्छे नहीं थे। तो यार बेकार में मैं कोई चीज क्यों नहीं खरीदूं, सो दैट्स व्हाई आई बॉट देम। आज की वीडियो में मैं इनका रिव्यू करने वाला हूँ एंड इसके बारे में दिखाएंगे कि यार कितने टाइम तक चलते हैं और क्या इसमें वेरिएशन आती है। सो लेट्स बिगिन। तो यार इसका इतना छोटा सा साइज है एंड ये नीचे का इसका स्टैंड है, तो इसको ऐसे करके हो गया और मैं इसको अब थोड़ा साइड से खोल लेता हूँ। इस पॉइंट को करने के लिए थोड़ा सा ऊपर खींचना पड़ेगा इसको, ठीक है, ऐसे करके इसको ऊपर खींच के आप जब करोगे तो ये मैनेज हो जाएगा। तो यार ये पूरा मेरा कैंपिंग स्टोव है, इसका साइज आप देख सकते हैं। अगर मैं फोन से कंपेयर करके दिखाऊं तो यार इतना सही है और छोटा होके बहुत छोटा हो जाता है। That's it. अब मैं थोड़ा आपको सिलेंडर खोल के देखते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। जी सिलेंडर है हंस का एंड इस पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। प्रोपेन आइसो ब्यूटेन का है एंड चलिए इसको खोल के फिनिश करनी पड़ेगी। ये इसका पर्टिकुलर होल है और एक ये इसके दो होल्स दिखेंगे आपको। तो आपको इस पर्टिकुलर एरिया को पहले एक होल में फिट करना है एंड दिस इज द सेकेंड एरिया। आपको इसमें फिक्स करके इसको स्क्रॉल कर देना है जिससे कि वो मैनेज है। तो मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। दिस इज द एरिया, इसके अंदर फिट करना है और इसके अंदर अटैच करना है एंड दिस इज दिस। तो सबसे पहले मैं इसको इसमें अटैच करूंगा, फिर इसको अंदर करके दिस इज कम्प्लीटली फिटेड। तो गाइस ये कम्प्लीटली सिलेंडर और स्टोव एक साथ फिट हो चुके हैं। इसको लगाने के बाद एक चीज को जरूर ध्यान रखना जो कि बहुत बड़ा सेफ्टी मेजर है कि इस पॉइंट से बिल्कुल भी गैस लीक ना होगी। लीक हो रही होगी तो आपको इजीली उसकी स्मेल या आवाज आ जाएगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। मेक श्योर कि इस पर्टिकुलर एरिया से बिल्कुल आवाज लीक ना हो रही हो और कुछ इस तरीके से फिट है, कितना भी घुमाने पर इसकी हवा लीक नहीं होगी। अब मैं थोड़ा इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये इसका नॉब है, इसको ट्राई करना कि कभी भी बंद करो ऑन करो, इसको जीरो पे रखना। अगर आपने इसको ऑन करने के बाद लाइटर जलाया तो एकदम से बहुत तेज होगा, तो मेक श्योर इसकी सेफ्टी बरत के रखना। अब मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ और देखते हैं ये कैसे काम करता है। पहले मैं इसको सेफ्टी चेक करूंगा कि इसमें से गैस बिल्कुल लीक नहीं हो रही, तो मैं इसको लाइटर से करूंगा तो इधर बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही। अब मैं इसको नॉब बहुत स्लोली ऑन करूंगा और उसकी आवाज से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वो तेज है या नहीं है। तो हल्की फुल्की आवाज आनी शुरू हो चुकी है वो एंड ये जल भी रही है। आई होप यू कैन सी दिस, ये इसकी फुल तेज स्पीड है। तो अभी यार इंडोर बैठे मैं इसको ज्यादा ट्राई नहीं करूंगा, होपफुली मैं इसको ट्रिप पर पूरी स्पीड के साथ ट्राई करूंगा, बट दिस इज द कंप्लीट रिव्यू। मेक श्योर जब भी आप इसको बंद करें तो पहले इसकी गैस पूरी बंद हो जाए, चेक करें कि लाइटर के बाद भी इसमें से बिल्कुल गैस नहीं आ रही है, then you can remove it. Remove करने का भी सिंपल तरीका है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। What you have to do is press this inside, move this, then इसका सिर्फ ऊपर से आपको टेढ़ा करना है, इससे बिल्कुल गैस लीक नहीं होगी। इसको ऐसे करके आपको लगाना है और एकदम से पहले निकालना है, फिर सेकेंड नॉब निकालना है। आप एकदम से ऐसे खींचने का ट्राई करेंगे तो उससे दिक्कत होगी, एकदम से आपको ऐसे नहीं खींचना है। आपको लगाने के बाद पहले ऊपर वाले एरिया निकालना है, फिर सेकेंड एरिया से ऐसे निकालना है। गाइस फाइनली ये कैंप और स्टोव का मैंने रिव्यू कर दिया है। इसकी मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, भैया खरीदने से पहले चेक कर लेना। मैंने दो बार रिटर्न करा तब जाके सही वाला माल आया है एंड ये लीक करते हैं तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि बहुत रिस्की चीज़ है। फाइनली आज मैंने वीडियो अपनी कंप्लीट कर लिया और मैं नेक्स्ट वीक में इसको यूज़ भी करने वाला हूँ, तो मैं इसका टाइम बता दूंगा कि कितने टाइम में कितना चला ये। तो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं फिर।